जॉब में पीछे मुड़कर ये देखती हूँ कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने कितने लंबे यात्रा की है, तो मेरा हृदय गर्व से भर जाता है। हमारे गणतंत्र का 75वां वर्ष कई अर्थों में देश की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। ये उत्सव मनाने का विशेष अवसर है, जैसे हमने स्वाधीनता के 75वीं वर्ष पूरी होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान अपने देश की अतुलनीय महानता और विविधतापूर्ण संस्कृति का उत्सव मनाया था। कल के दिन हम संविधान के प्रारंभ का उत्सव मनाएंगे। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरू होती है। ये शब्द हमारे संविधान के मूल भाव अर्थात लोकतंत्र को रेखांकित करते हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र की पश्चिमी अवधारणा से कहीं अधिक प्राचीन है, इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है। हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। हमारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से संविधान में निहित हमारे मूल कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध करूंगी। ये कर्तव्य आजादी के 100 वर्ष पूरी होने तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रत्येक नागरिक के आवश्यक दायित्व है। इस संदर्भ में मुझे महात्मा गांधी का स्मरण होता है। इस सप्ताह के आरंभ में हम सबने अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखा। भविष्य में जब इस घटना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, तब इतिहासकार भारत द्वारा अपने सभ्यतागत विरासत की निरंतर खोज में युगांतकारी आयोजन के रूप में इसका विवेचन करेंगे। उचित न्यायिक प्रक्रिया और देश के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। अब ये एक भव्य संरचना के रूप में शोभायमान है। ये मंदिर न केवल जन जन की आस्था को व्यक्त करता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में हमारे देशवासियों की अगाध आस्था का प्रमाण भी है। प्यारे देशवासियों, हमारे राष्ट्रीय त्योहार ऐसे महत्वपूर्ण अवसर होते हैं जो हम अतीत पर भी दृष्टिपात करते हैं और भविष्य की ओर भी देखते हैं। पिछले गणतंत्र दिवस के बाद के एक वर्ष पर नजर डाले तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। G20 से जुड़े आयोजनों में जन सामान्य की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन आयोजनों में विचारों और सुझावों का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर था। उस भव्य आयोजन से ये सीख भी मिली है कि सामान्य नागरिकों को भी ऐसे गहन तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे में भागीदार बनाया जा सकता है, जिसका प्रभाव अत्यंत उनके अपने भविष्य पर पड़ता है। G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत के अभ्युदय को भी बढ़ावा मिला, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संवाद की प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व का समावेश हुआ। इसी अवधि में भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र पर उतरने वाला पहले देश बना। चंद्रयान-3 के बाद इसरो ने एक सौर मिशन भी शुरू किया। हाल ही में आदित्य L1 के सफलतापूर्वक हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। भारत ने अपने पहले एक्सरे पोलारीमीटर सेटेलाइट, जिसे एक्सपोसेट कहा जाता है, के प्रक्षेपण के साथ नए साल की शुरुआत की है। ये सेटेलाइट अंतरिक्ष के ब्लैक होल जैसे रहस्यों का अध्ययन करेगा। वर्ष 2024 के दौरान
अन्य कोई अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाए गए हैं। ये प्रसन्नता के विषय है कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में अनेक नई उपलब्धियां हासिल की जाने वाले हैं। हमारे प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन की तैयारी सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। हमें अपने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों पर सदैव गर्व रहा है, लेकिन अब ये पहले से कहीं अधिक ऊंचे लक्ष्य तय कर रहे हैं और उनके अनुरूप परिणाम भी हासिल कर रहे हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को और अधिक विस्तार तथा गहराई प्रदान करना है। इसरो के कार्यक्रम के प्रति देशवासियों में जो उत्साह दिखाई देता है, उससे नई आशाओं का संचार हो रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों ने युवा पीढ़ी की कल्पना शक्ति को नई फोंक दिए हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चों और युवाओं में बड़े पैमाने पर विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ेगा तथा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। अंतरिक्ष विज्ञान की इन उपलब्धियों से युवाओं, विशेषकर युवा महिलाओं को ये प्रेरणा मिलेगी कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपना कार्य क्षेत्र बनाएं।